सबसे पहले बात करेंगे मथुरा की। मथुरा के कोसी इलाके में दो पक्षों में जमकर बवाल हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों में पथराव हुआ और मारपीट हुई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। समुदाय विशेष के युवकों पर बोतल और पत्थर फेंकने का आरोप लगा है। झगड़े के दौरान बचाने आए कुछ युवकों के साथ में 2 दर्जन से अधिक युवकों ने मारपीट की थी। सूचना पर पहुंची पुलिस फोर्स को देखकर पथराव करने वाले मौके से फरार हो गए और पुलिस पथराव करने वालों की तलाश में जुटी हुई है। थाना कोसी कला की ये वारदात। सूचना मिली थी कि मूत गली में कुछ लोग शराबी हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। ये सूचना पर पुलिस पहुंची, पुलिस को देखकर सभी भाग गए। किसी प्रकार की लाइन आर्डर की कोई समस्या नहीं है, हाँ और सब ठीक है। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता नितिन गौतम जुड़ गए हैं मथुरा से। नितिन, किस बात को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था और अब पुलिस की कार्रवाई में क्या कोई गिरफ्तारी भी हुई अभी तक? जी देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से, जैसा कि पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि शराबियों से जुड़ा हुआ मामला था। देर शाम होते ही जो गोपाल नगर इलाका है उसमें वहाँ शराबियों का आतंक होता है, शराब लोग खुले में शराब पीते हैं। तभी वहाँ पर 2 युवक जा रहे थे, उन्होंने शराब पीने से मना किया, जिसको लेकर एक विशेष समुदाय के जो लोग थे वो आक्रोशित हो गए और उन्होंने उनके साथ मारपीट कर दी। मामला यही नहीं थमा, जो आरोपी थे वो कुछ लड़कों को लेकर और आते हैं और उसके बाद फिर दोबारा से मारपीट करते हैं, जिसको लेकर एक वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। तुरंत घटना की सूचना इलाका पुलिस को दी गई, तो जिस पर पुलिस इलाके पर पहुंची, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले से जो आरोपी थे वो वहां से मौके से भागे हैं। फिलहाल जो मारपीट की घटना हुई है उसमें 3 लोगों को घायल होने की बात सामने आई है, जिनका इलाज कराया गया है। वहीं पुलिस अब जो शराबी थे जिनके द्वारा उत्पात मचाया गया था उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। तो कहा जा सकता है कि जो पुलिस की जो सक्रियता है उसके चलते जो आरोपी थे वो तो फरार हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही और निष्क्रियता सामने आती है, जिसकी वजह से जो शराबी है उनका आतंक देखने को मिलता है और ऐसे झगड़ों को कहीं ना कहीं मौका मिलता है। जी, अच्छा करने के लिए बहुत शुक्रिया नितिन आपका। अलीगढ़ के एमयू में मौलाना आजाद लाइब्रेरी के पास में फायरिंग केस में फरार 2 अपराधियों पर इनाम घोषित किया गया है। आरोपियों पर एसएसपी ने 15,000 का इनाम घोषित किया है। आपको बता दें कि 6 दिसंबर को एएमयू में 2 छात्र गुटों में फायरिंग हुई थी और इस घटना में लाइब्रेरी से पढ़ाई कर हॉस्टल लौट रही एक छात्रा के पैर में गोली लगी थी और इस घटना में अलीगढ़ पुलिस ने दबिश देकर एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, जबकि फरार दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें जगह जगह दबिश दे रही हैं। जरूरत पड़ने पर एसटीएफ की भी मदद ली जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ में रंजीत सिंह फोन लाइन पर छूट गए हैं। रंजीत, क्या अपडेट है पूरे मामले में? देखिए, अपने बच्चों की लड़ाई को लेकर 2 छात्र खुद आपस में आए दिन यहाँ पर एमयू में फायरिंग करते हैं, जिससे माहौल काफी ज्यादा खराब रहता है। यही एक छात्रा उस दिन मौलाना आजाद लाइब्रेरी से अपनी स्टडी करके अपने कैंपस की तरफ जा रही थी और वहीं इस पे दोनों छात्र गुटों में गोली चल रही, इसके पैर में गोली लगी। हालांकि अब ये खतरे से बाहर है। एसएसपी ने माहौल सुधारने के लिए 15,000 रुपए का इनाम रख दिया है, टीमें गठित कर दी है और कहा है कि इस तरीके के जो लड़के हैं जो आए दिन फायरिंग करते हैं उनको आगे भी उनके लिए इस तरीके के इनाम लिए जा रखेंगे और उनको गिरफ्तारी के लिए टीम ही बनाए रखेंगे। दोनों के जो नाम है वो अदनान उर्फ गोल्डन है और दूसरा जफर है, ये काफी दिनों से फायरिंग करते हुए नजर आ रहे थे। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया रंजीत आपका।